जय हिंद। आज के इस वीडियो में देखेंगे टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा, फाइयान, अलबेरूनी या इबन आतुनी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1947 में, 1949 में, 1961 में, 1983 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1963 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गांधी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे जो थे मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर फाइव, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा, स्वांग हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 23, 24, 25, 26। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25, भारत में अभी कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के वित्त मंत्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष इसका फैसला करता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? जापान, चीन, अमेरिका या भूटान। भूटान जो है देश का पूर्ण प्रतिबंध, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है जो भूटान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 25 नवंबर या 26 जनवरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है भारत का संवैधानिक मुखिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या उपरोक्त सभी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया था उधर सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा या राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में जिप्सम सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? सूरत, कोलकाता, मैसूर, बेंगलुरु। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या बास्केटबॉल। हॉकी में जो है बुली शब्द का प्रयोग किया जाता था हॉकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? हिमा दास, मीराबाई चानू, पीटी उषा। इनमें से कोई नहीं, पीटी उषा को एथलीट में को सॉरी भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? जयपुर, उदयपुर, नैनीताल या वाराणसी। जो उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है, उदयपुर जो होता है झीलों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1875 ईस्वी में, सन 1997 ईस्वी में, सन 1901 ईस्वी में, सन 1912 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों के सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्रांबे, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु
कोलकाता जी ट्रांबे मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगर आपने महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं, कहाँ स्थित हैं आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर पहले एक वीडियो बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 के बालदौरी आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल या पंडित जवाहरलाल नेहरू? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, अंगद देव या गुरु रामदास? इसका करेक्ट आंसर रहेगा गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी सरोजिनी नायडू, आनंदीबाई जोश, अंजुम आरा या किरण बेदी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किरण बेदी जो थी पहली महिला IPS थी। आपको कमेंट करके बताना है पहली महिला IAS कौन थी, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है पहली महिला IAS अधिकारी कौन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का कथक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? क्रिकेट, हॉकी, पोलो या कबड्डी? तो क्रिकेट में जो है चाइना मैन शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? साहित्य, सिनेमा, विज्ञान, चिकित्सा? जो ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? शीशा, हीरा, एल्यूमिनियम या ग्रेफाइट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा जो है सबसे कठोर तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र, सिलोन, हस्तिनापुर या वैशाली? पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगा खा कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, जिम्नास्टिक, फुटबॉल या हॉकी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी। जो आगा खान कप संबंधित है वो हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, केरल? तो यह नागालैंड की है, नागालैंड जो भारतीय राज्य की राजभाषा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश? जो कर्नाटक में स्थित है, बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? बदरुद्दीन तैबत, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या MS अंसारी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? अकबर ने जो है दीन ए इलाही धर्म चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूस्थिर उपग्रह से पृथ्वी की ऊंचाई कितनी होती है? 32,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर या 42,000 किलोमीटर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 5, 6, 7, 8। इंद्रधनुष में जो है 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच या 20 हर्ट्ज? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1949 में जो है भारतीय संविधान का पहला संशोधन किया गया था वो 1951 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूपर कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या जूडो? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो डूरट कप का संबंध है वो फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास, मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर या जयशंकर प्रसाद? तो इसके जो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक जो है कालिदास है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या अबुल कलाम आज़ाद? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे भारत के पहले कानून मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार
किसे दिया गया था? रुडयार्ड किपलिंग, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा या रूपर्ट फैक्टोल? थे रुडयार्ड किपलिंग को। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था रुडयार्ड किपलिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर, जयपुर, नई दिल्ली या चित्तौड़गढ़? यह अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? हैदराबाद, जयपुर, बेंगलुरु, श्रीरंगपट्टनम? तो यह हैदराबाद में है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? कलिंग युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, चौसा का युद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी, नील नदी, मिसिसिपी नदी या यांगत्ज़ी नदी? तो यह नील नदी जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? पोटेशियम, जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? यूकेलिप्टस, पीपल, सिनकोना या उपरोक्त सभी? तो ये सिनकोना पौधे से ली जाती है कुनैन, मतलब जो मलेरिया की दवा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग, हिमिंगबर्ड, बाज या गिद्ध? तो शुतुरमुर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बकरी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुत्ता। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता जो एक जंतु है उसको पालतू बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला, सफ़ेद, काला या भूरा? तो उसे काला दिखाई देता है अंतरिक्ष। आज के वीडियो का लाइव क्वेश्चन, एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन या ऑल टाइम मनी या ऑटोमोटिव टेलर मशीन? इसका आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एवं दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि कोई भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं ऐसी एक अमेजिंग नई अमेजिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।